सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ आठ, जब बल्ब जला। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान एक। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान एक में पाठ आठ, जब बल्ब जला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। हमारा कोई भी आविष्कार चुनौतियों से भरा होता है। थॉमस एल्वा एडिसन हो या दुनिया का कोई भी आविष्कारक हो, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। यानी एक ऐसा आविष्कार करने में सफल होता है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस चुनौती का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पार्ट आठ की शुरुआत करते हैं। आज पापा की छुट्टी थी। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी। पापा मम्मी की सहायता कर रहे थे। आज घर में रात के खाने पर कुछ मेहमान आने वाले थे। आज पापा की छुट्टी थी। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी। पापा मम्मी की सहायता। सहायता का अर्थ है मदद। पापा मम्मी की मदद कर रहे थे। आज घर में रात के खाने पर कुछ मेहमान आने वाले थे। तभी यश को कुछ याद आया। वह भागकर अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया और बोला, मम्मी पापा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी यश को कुछ याद आया। यश कौन था? एक छोटा सा बच्चा था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और वह स्वयं रहते थे। मम्मी पापा और यश रहते थे। तभी यश को कुछ याद आया। वह भागकर अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया और बोला, मम्मी पापा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। यश को कुछ याद आया और वह अपनी मम्मी पापा को कुछ दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही वापस लौट आया। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। पापा ने कहा, तो ले आओ। न, यश बोला, वहां अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, कैसे जाऊं। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। तो यह बात यश ने अपने माता पिता से बताई, अपने मम्मी पापा से कहा कि आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। पापा ने कहा, तो ले आओ ना। उसके माता पिता भी देखना चाहते थे, तो उसके पापा ने कहा, तो ले आओ ना। तो यश बोला, वहां अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, कैसे जाऊं। यश की बात सुनकर उसके पापा आश्चर्यचकित होकर बोले, सचमुच तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। यश के बोलने से पहले उसकी मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, आप नहीं जानते, यश अंधेरे में जाने से डरता है। यश की बात सुनकर उसके पापा आश्चर्यचकित।
आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान होकर बोले, सचमुच तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। यह बात उसके पापा नहीं जानते थे कि उनका बेटा अंधेरे में जाने से डरता है, लेकिन इस बात को उसकी माँ जानती थी। यश के बोलने से पहले उसकी मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, आप नहीं जानते यश अंधेरे में जाने से डरता है। फिर उसके पापा यश के साथ उसके कमरे में गए। उसकी ट्रॉफी देखकर उन्होंने यश की पीठ थपथपाई। क्या मम्मी सही कह रही थी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, पापा ने पूछा। फिर उसके पापा यश के साथ उसके कमरे में गए जिस कमरे में ट्रॉफी रखी थी, और यश अपने मम्मी पापा को दिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह कमरे तक पहुंचा तो कमरे के दरवाजे से ही वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और कमरे के अंदर अंधेरा था। तो इस बात को सुनकर उसके पापा बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि उसके पापा यह नहीं जानते थे कि उनका बेटा यश अंधेरे से डरता है, लेकिन यह बात उसकी माँ जानती थी। तो इस बात को सुनकर फिर उसके पापा यश के साथ उसके कमरे में गए। उसकी ट्रॉफी देखकर उन्होंने यश की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई का अर्थ है शाबाशी दी। पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना। क्या मम्मी सही कह रही थी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, पापा ने पूछा। तो कमरे में उसके पापा ने यश से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, बल्ब जलते ही भाग जाती है, यश ने कहा। पिताजी ने पूछा, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? हाँ, जैसे ही पिताजी ने अपने बेटे यश से पूछा, क्या तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर पूछने के बाद यश ने कहा, हाँ मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, बल्ब जलते ही भाग जाती है, यश ने कहा। पिताजी ने पूछा, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, यश झिझकते हुए बोला। यह तुम्हारा भ्रम है, छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो कि छाया भगाने वाले बल्ब को किसने बनाया था, पापा ने पूछा। नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब यश के पिता ने यश से पूछा, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है, तो यश ने कहा, नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, यश झिझकते हुए बोला। तो उसके पिताजी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम का अर्थ है शक है, जैसे वहम होना। यह तुम्हारा भ्रम है, शक है, छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो कि छाया भगाने वाले बल्ब को किसने बनाया था, पापा ने पूछा। यश ने कहा, नहीं पापा। यश के पापा ने बताया, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। उनका पूरा
नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में हुआ था। यश ने बताया नहीं पापा, क्योंकि यश नहीं जानता था कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो यश ने कहा नहीं पापा। तो यश के पापा ने उसे बताया कि यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि था। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठती और वह सवालों की झड़ी लगा देता। एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। 7 वर्ष की आयु में इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। किन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया? थॉमस अल्वा एडिसन को। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि था। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है तेज बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठती। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। किसी भी चीज को उसके मन में जानने की इच्छा उठती और वह सवालों की झड़ी लगा देता। झड़ी लगा देना का अर्थ है एक के बाद एक बात करना। जैसे कि एक बात पूरी होगी तो दूसरी बात शुरू कर देना। एक प्रश्न का उत्तर पूछा, उसका उत्तर मिल जाने के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछना, दूसरा का मिल जाने के बाद तीसरा प्रश्न पूछना। तो वह सवालों की झड़ी लगा देता था। एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। स्कूल जाने की बजाय वह घर में ही शिक्षा लेने लगा। 10 वर्ष की आयु में एडिसन ने घर में प्रयोगशाला बना ली। 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचने के साथ साथ उसने अपनी प्रेस भी लगा ली। वह अपना अखबार छापने लगा। स्कूल जाने की बजाय वह घर में ही शिक्षा लेने लगा। वैसे तो वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न जानने की जिज्ञासा रहती थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। अब उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और वह घर में ही शिक्षा लेने लगा। 10 वर्ष की आयु में एडिसन ने घर में प्रयोगशाला बना ली। प्रयोगशाला होती है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करते हैं ना हम, उसने घर पे ही एक प्रयोगशाला बना ली। और 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचने के साथ साथ उसने अपनी प्रेस भी लगा ली। वह अपना अखबार छापने लगा। जैसे कि प्रेस, जैसे दैनिक भास्कर, तो यहाँ पर सब क्या होते हैं, जो भी अखबार आती है तो यहाँ पर वही छापी जाती है। तो इसने 12 वर्ष की आयु में अखबार भी बेचता था और साथ साथ उसने अपनी प्रेस भी लगा ली और उस प्रेस में क्या करता था, अखबार भी छापने लगा था। एडिसन के करिश्मों का सिलसिला अनवरत चलता रहा। 1887 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की। तुम्हारे बड़े दादाजी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। एडिसन के करिश्मों, करिश्मों का अर्थ है चमत्कार, करिश्मों का अर्थ है चमत्कार का सिलसिला अनवरत, अनवरत का
अर्थ होता है लगातार। एडिसन के चमत्कार का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की। तुम्हारे बड़े दादाजी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। एडिसन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक माना गया। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज में उनका निधन हो गया। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में गिना जाता है। एडिसन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक, आविष्कारक का अर्थ है नव निर्माण करने वाला, नई नई खोज करने वाला माना गया। 18 अक्टूबर 1931, उनका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज में उनका निधन हो गया। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का अर्थ है विज्ञान को जानने वाला, विज्ञान को जानने वाला के रूप में गिना जाता है। एडिसन की कहानी सुनने के बाद यश बोला, अच्छा अब मैं बत्ती बुझाने वाला हूँ। अब मुझे देखना कि वह छाया किस कोने में है। इतना कहकर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी, फिर इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। एडिसन की कहानी सुनने के बाद यश बोला, अच्छा अब मैं बत्ती बुझाने वाला हूँ। बत्ती मतलब लाइट, बल्ब। अब मैं बल्ब बुझाने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि वह छाया किस कोने में है, क्योंकि उसे डर लगता था कि कमरे में कोई छाया है, कि बत्ती बुझाने पर वह कमरे के अंदर रहती है और बत्ती बुझाने के बाद वह कमरे से भाग जाती है। इतना कहकर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी, फिर इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। आंख बंद कर सोचने लगा, क्या एडिसन भी बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, डर भाग चुका था। वह निडर होकर बोला, पापा अब मुझे डर नहीं लगता, मैं स्विम बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। आंख बंद कर सोचने लगा, क्या सोचने लगा? क्या एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या वह भी बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं भी क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, डर भाग चुका था। वह निडर होकर बोला, पापा अब मुझे डर नहीं लगता, मैं स्वयं बटन दबाऊंगा। किसका बटन दबाऊंगा? बल्ब का। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। थोड़ी देर बाद यश अकेला कमरे में गया, बटन दबाया, कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसकर बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता। थोड़ी देर बाद यश अकेला कमरे में गया, बटन दबाया, बल्ब का बटन दबाया, क्योंकि बल्ब बंद था, कमरे में अंधेरा था, कमरा
प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसकर बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता। सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने थॉमस एल्वा एडिसन के विषय में जाना, अंधेरे से नहीं डरना, मेहनत करना और जिज्ञासु होना, इन सब के बारे में सीखा। सीख। इस पाठ से हमने थॉमस एल्वा एडिसन के विषय में जाना, अंधेरे से नहीं डरना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, हमें कभी भी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। मेहनत करना, कि बिना मेहनत के हमारी ज़िंदगी बेकार है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी और हम किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे। और जिज्ञासु होना, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता, मुझे जानकर क्या करना है। कोई भी बात किसी भी समय कहीं पर भी काम आ सकती है। अब हम पार्ट आठ के कठिन शब्द करेंगे। नंबर एक, आश्चर्यचकित। नंबर दो, भ्रम। नंबर तीन, कुशाग्र बुद्धि। नंबर चार, जिज्ञासा। नंबर पाँच, अनवरत। नंबर एक, आश्चर्यचकित। नंबर दो, भ्रम। नंबर तीन, कुशाग्र बुद्धि। नंबर चार, जिज्ञासा। नंबर पाँच, अनवरत। नंबर छः, आविष्कारक। नंबर सात, वैज्ञानिक। नंबर आठ, निधन। नंबर नौ, मेहनत। नंबर दस, जिज्ञासु। नंबर ग्यारह, रसोई घर। नंबर छः, आविष्कारक। नंबर सात, वैज्ञानिक। नंबर आठ, निधन। नंबर नौ, मेहनत। नंबर दस, जिज्ञासु। नंबर ग्यारह, रसोई घर। नंबर बारह, ट्रॉफी। नंबर तेरह है करिश्मा। नंबर चौदह है प्रयोगशाला। नंबर पंद्रह है प्रसिद्ध। नंबर बारह है ट्रॉफी। नंबर तेरह है करिश्मा। नंबर चौदह है प्रयोगशाला। नंबर पंद्रह है प्रसिद्ध। गृही कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ आठ से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। गृही कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ आठ से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।